नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। और सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की चार बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर यूपी के सियासी रण से है। आज सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम योगी 11:40 पर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और दोपहर 12:10 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद सीएम योगी और अमित शाह कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी बड़ी खबर भी यूपी के सियासी युद्ध से ही जुड़ी हुई है। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को 58 सीटों पर है और पीएम मोदी पश्चिमी यूपी बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। जी हां, आज पीएम मोदी नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर और मेरठ में वर्चुअल रैली करेंगे। इस दौरान 20 लाख लोगों से जुड़ने की भी संभावना है। तीसरी बड़ी खबर क्या है ये भी आप जान लीजिए। समाजवादी गठबंधन से जुड़ी ये खबर है। पश्चिमी यूपी में मैदान मारने के लिए, जी हां, अखिलेश और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज आगरा में जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज एक के बाद एक 5 विधानसभा क्षेत्रों में सभा करेंगे। इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। चौथी बड़ी खबर भी यूपी के सियासी रण से ही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब पूरी तरह से यूपी पर कब्जे की लड़ाई में कूद चुकी हैं। कल गाजियाबाद में मायावती गर्जी तो आज अमरोहा में रैली करेंगी। इस दौरान मायावती मुरादाबाद मंडल के 27 प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगी। ये वो चार बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते और देखते हैं सुपर स्पीड 100। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे नामांकन। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी के नामांकन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे मौजूद। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे साथ। सीएम योगी के नामांकन से पहले गोरखपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। अमित शाह और सीएम योगी कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधन। पर्चा दाखिल करने से पहले सीएम योगी के साथ गोरखनाथ मंदिर जाएंगे अमित शाह। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करके लेंगे जीत का आशीर्वाद। सीएम योगी का नामांकन कराने के बाद घर घर जनसंपर्क भी कर सकते हैं अमित शाह। लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। 5 फरवरी को गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे सीएम योगी। मोदीपुर गुरुद्वारा में सिख समाज के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। सीएम योगी के नामांकन को लेकर गोरखपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गोरखपुर सदर सीट पर पिछले 33 सालों से भगवा का कब्जा। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों के 57 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। वे पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे प्रत्याशी। पीएम मोदी की यूपी में दूसरी जन चौपाल वर्चुअल रैली आज। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं में होगा रैली का आयोजन। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग सीधे जुड़ेंगे। सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से रैली में जुड़ेंगे तो वहीं 5 जिलों के 122 स्थानों पर एक साथ वर्चुअल रैली। यूपी के बुलंदशहर में अमित शाह का अखिलेश पर हमला। कहा माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने सिर पर बिठाया। योगी सरकार में गुंडों का पलायन हुआ। अमित शाह का अखिलेश यादव पर तंज। कहा जो अपने बाप और चाचा का नहीं हुआ वो जयंत चौधरी का कैसे हो जाएगा। अमित शाह ने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत चौधरी चले जाएंगे। आजम खान जेल से बाहर निकलकर बैठ जाएंगे। अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा माफिया अब 3 की जगह है और जेल में, प्रदेश के बाहर या फिर अखिलेश के उम्मीदवारों के रस्म है। यूपी चुनाव से पहले अमित शाह का विरोधियों को चेतावनी। कहा ये चुनाव माफिया को चुन चुनकर खत्म करने का है। अमित शाह ने कहा गुंडे हाथ में रहे या बीजेपी सरकार में। गाजियाबाद में नंदकिशोर गुज्जर के लिए शाह ने किया प्रचार। अखिलेश और जयंत चौधरी को लेकर अमित शाह को दिए गए बयान पर पलटवार। ओपी राजभर ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपी सचिन और शिवम गिरफ्तार। हमलावरों का दावा ओवैसी के बयानों से भी नाराज थे। गाजियाबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला। 2 हमलावरों ने ओवैसी की कार पर की फायरिंग। ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। टोल प्लाजा पर पहले से मौजूद थे हमलावर। लोकल मिट पिस्टल से किया गया था हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने हमले के बाद का वीडियो ट्वीट किया। मौके से फरार आरोपी के पिस्टल का वीडियो। हमले के बाद ओवैसी ने सबसे पहले जी मीडिया से की बात। कहा गोडसे के अनुयायियों ने किया हमला। संविधान खत्म करना चाहते हैं ये लोग। हमले के बाद जी मीडिया से बोले ओवैसी मेरी गाड़ी पर हमला हुआ है। मेरठ से मेरी रेकी हो रही थी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ,
किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। गोलीबारी के बाद बोले सुदुद्दीन ओवैसी, संसद में उठाऊंगा मामला, चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। ओवैसी बोले हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, मुझ पर अल्लाह का करम है, ये ताकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, हमारी हिम्मत कम नहीं होगी। इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, कहा जांच के लिए 5 टीमें बनाई गई, आरोपियों से पूछताछ जारी है। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बीजेपी पर हमला, कहा ओवैसी साहब पर पहले भी अटैक हो चुका है, किस बात के इंतजार में है बीजेपी की सरकार। जिस तरह से वो रोज जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, पद यात्रा करते हैं, सभाएं लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में ओवैसी पर ये दूसरा हमला था, पिछले साल सितंबर में दिल्ली में ओवैसी के घर पर भी हमला हुआ था। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर का सीएम योगी पर हमला, ट्वीट कर लिखा उकसाएंगे तो अंधभक्त ऐसा ही करेंगे, ओवैसी पर हमला अंधभक्तों के करतो। ओवैसी के काफिले पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी ने भी निंदा की, ट्वीट कर कहा लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। पायलट की घटना से पहले ओवैसी ने मेरठ में किया डोर टू डोर कैंपेन, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे। मेरठ में ओवैसी का सीएम योगी पर प्रहार, कहा ओवैसी की गर्मी आप शांत नहीं कर सकते, हमारी गर्मी खाना तक कयामत तक रहेगी बरकरार। हमने जो युवाओं में और अल्पसंख्यक समाज में पिछड़ों में जो गर्मी पैदा की है वो सुबह कयामत तक रहेगी, अब आप अपनी फिक्र करिए। चुनावी सरगर्मी के बीच आमने सामने आए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, बुलंदशहर में दोनों के काफिलों का आमना सामना। बुलंदशहर में प्रियंका और अखिलेश ने एक दूसरे का किया अभिवादन, अखिलेश के साथ मौजूद जयंत चौधरी ने भी प्रियंका से दुआ सलाम किया। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में सरकार बनी तो फिर से शुरू करेंगे डायल हैंडपेट, कानून व्यवस्था के नाम पर झूठ ना बोले सरकार। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, ट्वीट कर लिखा मैंने कहा कंप्रेसर तो बाबा समझे कम प्रेशर, बाबा गलत समझे, हार के डर से बहुत प्रेशर है बाबा में। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना, अब्दुल्ला ने खुद पर लगे मुकदमों को बताया फर्जी, कहा बीजेपी के साथ नहीं गए इसीलिए हम माफिया। एसपी में शामिल होने के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य, एसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यूपी के बाराबंकी में अपर्णा यादव के कार्यक्रम में हंगामा, कार्यक्रम में अखिलेश के समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। बाराबंकी में अपर्णा के सामने अखिलेश जिंदाबाद के लगाए गए नारे, बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे थे अपर्णा यादव। बाराबंकी में एसपी पर जमकर गरजे बीजेपी नेता अपर्णा यादव, कहा मैं शेरनी हूं किसी से डरती नहीं हूं। बाराबंकी में अपर्णा यादव ने किया मुलायम का जिक्र, कहा नेताजी ने पीएम मोदी को दिया था आशीर्वाद, नेताजी के आशीर्वाद से पीएम बने थे मोदी, आप भी आशीर्वाद देकर बीजेपी को जिताएं। मायावती का एसपी सरकार पर निशाना, कहा एसपी सरकार में सिर्फ एक समाज का विकास हुआ, एसपी सरकार में दलितों के साथ भेदभाव हुआ। मायावती बोली दलितों के वोट के लिए नाटक कर रही है एसपी, एसपी सरकार में माफियाओं का राज था, गुंडों का बोलबाला था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर निशाना, बोली धर्म के नाम पर बीजेपी नफरत का माहौल फैला रही है, बीजेपी की नीतियां ठीक नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज यूपी के अमरोहा में होगी चुनावी सभा, बीएसपी प्रत्याशियों के लिए करेंगी वोट की अपील। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा वो मेवा खाने आए हैं हम सेवा करने आए हैं। जेपी नड्डा बोले बीजेपी जीतेगी तो माँ बेटियां सुरक्षित रहेंगी, मंदिर अटकाने वाले अब मंदिर जा रहे हैं चंदन लगा रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज की पश्चिम विधानसभा सीट से भरा पर्चा, कहा यूपी में फिर से बनेगी योगी सरकार। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा, जी मीडिया से कहा भारी मतों से जीतने जा रहे हैं राजेश्वर से। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने भरा जीत का दम, जी मीडिया से कहा भारी बहुमत से जीतूंगा। नामांकन के बाद बोले लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से एसपी उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा कोई टक्कर में नहीं है, समाजवादी पार्टी को बड़े मार्जिन से जीत मिलेगी। यूपी चुनाव में गुमनाम पर्चों के जरिए मतदाताओं के ध्रुवीकरण का प्रयास, ऐसे पर्चों को लेकर चढ़ा सियासी पारा। यूपी के जालौन में टिकट मिलने के बाद भावुक हुए एसपी प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा, स्टेशन रोड पर पदयात्रा कर जताया लोगों का आभार। चुनाव प्रचार के दौरान रोपड़े नौजर से एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी, कहा अब हारने की हिम्मत नहीं बची है, बहुत हार चुका हूं मैं। अतीक अहमद को कोर्ट से नहीं मिली राहत, रंगदारी मांगने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 8 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। आप नेता कर्नल अजय कौठियाल ने गंगोत्री विधानसभा में किया जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश और उत्साह।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, 6 फरवरी का कांग्रेस सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने विक्रम मजीठिया पर बोला हमला, कहा तोते को खलिहान में ना रहने दे, कहा मजीठिया के गुंडा राज को नहीं चले देंगे। सिद्धू के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सजा बढ़ाने की मांग पर 25 फरवरी को सुनवाई है। बीजेपी, पीएलसी और अकाली दल संयुक्त गठबंधन को चेहरा नहीं होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, डबल इंजन सरकार का कोई और होगा पायलट। पंजाब में पीएम मोदी होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक, इस स्टार प्रचारकों के लिस्ट में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ का नाम भी शामिल। पंजाब कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का फिर से बड़ा बयान सामने आया, कहा ज्यादा मालिक से घर में भी कलेश मुमकिन है, घर में भी एक मुखिया ही बेहतर होता है। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस देश का कर रही है गलत प्रचार और गुमराह भी करने की कोशिश है, नेहरू के शासनकाल में पाकिस्तान ने चीन को सौंपी थी शख्स गांव घाटी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ, राहुल गांधी ने रायपुर में योजना की शुरुआत की। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा देश को भागों में बांटा जा रहा है, एक तरफ 100 अमीर लोग और दूसरी तरफ गरीब जनता। राहुल गांधी ने कहा 100 से 200 लोगों को देश का धन दिया जा रहा है, देश में 100 अमीर लोग ऐसे जिनके पास देश के 40% आबादी से ज्यादा धन है। बजट की खूबियों को बताने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, 5 और 6 फरवरी को बीजेपी सांसद अपने अपने क्षेत्र में बजट के फायदे गिनाएंगे। संसद में गूंजा रीट पेपर लीक का मुद्दा, रेल में तख्ती लेकर पहुंचे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द कराने की मांग की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सड़क पर निकला लाखों लोगों का हुजूम, चलो विजयवाड़ा अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों का सैलाब दिखाई दिया। पुणे के शास्त्री नगर में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सामने आया सीसीटीवी फुटेज, आपसी रंजिश मानकर कार्रवाई में जुटे पुलिस। एमपी के इंदौर में जमीन विवाद में चली जमकर लाठियां, घर की छतों से महिलाओं ने की पत्थरबाजी, हवाई फायरिंग भी करने का आरोप। यूपी के महाराजगंज में तेंदुए निकलने से मचा हड़कंप, तेंदुए के हमले से 3 लोग घायल, वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदेश के व्यक्ति से शादी के बाद माइग्रेट महिला नहीं है आरक्षण का हकदार। विशेष राज्य के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार है तो देरी क्यों। तेज प्रताप यादव ने बिहार में सियासी खेले का किया है दावा, कहा 4 दिन बाद साथ आएंगे मांझी, सहनी और कुशवाहा। बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, शिक्षा विभाग की समीक्षा में शिक्षक नियोजन को लेकर पढ़ाई तक चर्चा। 9 फरवरी को पटना आएंगे लालू यादव, 10 फरवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका, निजी सेक्टर में 75% आरक्षण पर रोक लगाई, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले युवाओं के रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस पंचकुला में लाएगी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दी जानकारी। जम्मू के मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी, पेड़ पहाड़, घर गलियां और सड़कों पर सफेद रंग की चादर चढ़ी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बर्फबारी, पुलिस थाने की दीवार से लेकर छत तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी, ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी है, हिमाचल के मनाली, शिमला जैसे मशहूर पर्यटक स्थल बर्फ से ढक गए हैं। हिमाचल में कुल्लू के सोलन अटल टनल और रोहतांग पास समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, मौसम विभाग ने कुल्लू जिले और आसपास के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए आज भी भारी बारिश का अलर्ट, नैनीताल, चंपावत समेत कई कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से दिल्ली समेत बाकी मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में मौसम खराब रह सकता है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने लोगों की बढ़ाई मुसीबतें, सड़कों पर बर्फ होने के कारण दूसरे राज्यों से खाने का सामान ला रहे ट्रक भी फंसे। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम की भविष्यवाणी, रूस के मास्को जू में दोपांता रुई और डिंगडिंग ने की भविष्यवाणी। बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार, भारत समेत कई देशों के राजनयिक नहीं होंगे शामिल। बीजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग और क्लोजिंग समारोह में शामिल नहीं होंगे भारतीय राजनयिक। गलवान झड़प में शामिल चीनी कमांडर को ओलंपिक टॉर्च बेयरर बनाने के विरोध में यह फैसला लिया। रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास, रूस का S-400 एडवांस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी सैन्य अभ्यास का हिस्सा।
यूक्रेन पर हमले की आशंका के बीच रूस का सैन्य अभ्यास। अटलांटिक महासागर में रूस के TU-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। नाइजीरिया में लहरों के बीच द बर्निंग शिप समंदर में धू धू करके जला ऑयल शिप।